फ्रेंड्स, आज हम एलजी माइक्रोवेव में चौमिन बनाने का विधि लेके आए हैं आपके बीच। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है। चौमिन के लिए मैंने इसको माइक्रोवेव में, देखिए हमारा जो चाव का बंच होता है, इसको 2 मिनट पानी को गर्म किए हैं, फिर 2 मिनट उसमें डाल के इसको पहले से स्टीम करके रखे हैं तेल और नमक के साथ। इसके लिए तेल लगेगा आपको 1 से 1.5 चम्मच लगभग। ये हमारा अजीनोमोटो है, ये सॉल्ट टेस्ट के अनुसार। थोड़ा चीनी लगेगा, ये पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर। सब्जी में मैंने यहाँ कैबेज लिया है, गाजर लिया है, कैप्सिकम है और बीन्स है, प्याज है। बहुत लोग प्याज डालते हैं, बहुत लोग स्किप कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ अदरक है, लहसुन है और ग्रीन। लेकिन ये सॉस है, ये ऑप्शनल है, बहुत लोग यूज करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे घर में बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो ये टोमेटो सॉस है, सोया सॉस है, चिली सॉस है। सबसे पहले एक माइक्रोवेव से एक बाउल लेंगे, इसमें हम लगभग 1 चम्मच जैसा तेल डालेंगे और इसको माइक्रो मोड में डाल के 30 सेकेंड के लिए ऑयल को गर्म करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें टेस्ट के अनुसार ग्रीन चिली, मैंने यहाँ 3 ग्रीन चिली लिया है, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन, प्याज, बाकी की हरी सब्जियां जो जैसे कि गाजर हुआ, शिमला मिर्च हुआ, कैबेज हुआ, बीन्स हुआ, ये सब मैं ऐड कर रही हूँ। ये ड्राई मसाले जैसे शक्कर लिया है, रेड चिली पाउडर है, पेपर पाउडर, अजीनोमोटो, ये बहुत लोग स्किप करते हैं जिनको पसंद नहीं है, और सॉल्ट टू टेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स करके माइक्रो मोड पे 3 से 4 मिनट के लिए रखेंगे, माइक्रो 100% पे, माइक्रो 100% पे 3 to 4 मिनट्स। ये जो सब्जी हमने इसमें डाला था माइक्रोवेव होने के लिए, ये लगभग हमारा हो चुका है। ये देखिए, ये अच्छे से पक चुका है। माइक्रोवेव में बनाने से एक बेनिफिट ये होता है कि हमारा कम तेल लगा और इसमें हमको खड़ा होकर चलाने का जरूरत नहीं है। अदरवाइज गैस ओवन पे यदि हम बनाते हैं तो ये काफी स्टिकी हो जाता है और तेल भी बहुत ज्यादा लगता है, खड़ा होकर चलाते रहना पड़ता है। ये इसको अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद फिर माइक्रो मोड पे 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे, हमारा चौमिन बनके रेडी हो जाएगा। ये हमने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। अब इसको माइक्रो मोड पे 100% पे 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे। ये हमारा माइक्रो, ये मैंने 2 मिनट सेट किया। इन बिटवीन एक बार हम इसको निकाल रहे हैं बीच में और इसमें थोड़ा सोया सॉस और विनेगर टेस्ट के लिए डाल रही हूँ मैं। ये लगभग विनेगर डाला थोड़ा 1 चम्मच जैसा और सोया सॉस भी 1 चम्मच डाल रही हूँ। इसको फिर अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसे रख रही हूँ माइक्रोवेव में। बीच में निकाल के मैंने इसमें सोया सॉस और विनेगर ऐड किया है। ये हमारा चौमिन बनकर तैयार है, लगभग 4 सेकेंड बाकी है। अब हम इसे अपने मनपसंद सॉस के साथ खाने के लिए रेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए हमारा चौमिन बनकर तैयार। थैंक यू।